का भरोसा नहीं, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है रे बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूं सबके लिए, मेरा यही गुनाह है ना। अगर मेरे को आवाज उठाता हूँ रोज सबके लिए तो क्यों रोकते हो आप, मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? वारिस भाई हिम्मत मत मारो, हम लोग आपके साथ हैं। परेशान प्रशासन से परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए, हाथ धोके के इसको रोको, तू रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाल्लाह, भिवंडी की आवाम जिताएगी मुझे। मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे, सुनिए महाराष्ट्र में फिर रहे और नहीं सुनो और नारा लगा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं, झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए, 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए, और जब वो वार्ड में न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे, जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूद कर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां जुड़वा बेटियां जलकर मर गई, और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे, उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में, ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूद कर ये नहीं देखा कि किस समुदाय किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं, वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया, ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूँ, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे बटोगे तो कटोगे? बोलोगे आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो, क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है?